प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पड़ुआ काकाक आभासी चौकी पर साई तिरासियम चौकी बाजी अछि। आइ जून महीना के कतेक 2 तारीख, आइ जून महीना के 2 तारीख भेलै, विक्रम संवत 2079, जेठ मासक 19 गते बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार जे छै से तो छै। आई जेठ 19 के हिसाब से ओना सन 2001 में जून 1 तारीख रहे, एबेर जून 2 तारीख पड़ल छै। लेकिन एक दुर्दांत घटना जे नेपाल के इतिहास बदल दल के बुझियो, जून 1, 2001 के विक्रम संवत 2058 जेठ 19 गते लगभग रात के 8 से 9 बजे के बीच में से अठाम के काठमांडू के नारायण हिटी राज दरबार में एक हत्याकांड कहियो, जरा अब प्रमाणिक तथ्य तो ककरो संग में नहीं छे। कहल जाए छे जे प्रेम में पागल युवराज दीपेंद्र अपन पिता राजा वीरेंद्र के, माता रानी ऐश्वर्य के, संगे संगे अपन भाई शाहजादा निराजन, राजकुमार निराजन कह पड़ते, राजकुमारी श्रुति, सबके मिलाकर लगभग 10 गोटे के हत्या ओहिमे भेलै। आ बाद में दीपेंद्र सेहो मारल गेला, ककरा बंदूक के गोली से निश्चित नहीं छै। तो लगभग 10 गोटे के कहै छै जे आत्महत्या रहन हुनकर से कहबी छै। ओहिके बाद की भेलै जे नेपाल के राजा पर से जना अंग्रेजी में कहै छै ने जे मैंडेट ऑफ हेवन, ईश्वरीय वरदान जना हटि गेल होय, तो गणतंत्र के रास्ता से शुरू भ गेल। बुझू किछु दिन लगले विक्रम संवत 2058 चाहे 58 चाहे ईस्वी सन 2001 से हिसाब करियो तो 2008 तक आबैत आबैत में 6-7 वर्ष लाग गेले, लेकिन राजतंत्र के अस्त भ गेले। ओहि घटना के सबके अपन अपन हिसाब से याद में रखना है। अंग्रेजी में शब्द सब छै रेमिनिसेंस कहे छै, जे कि स्मृति के बात होइ छै, समग्रता में कोनो बात के याद करनाय मेमोरी कहे छै। एकटा अंग्रेजी में स्मरण, खास कर के सूचना के कोनो व्यक्ति के ओ जे स्मरण भेल से रिमेम्बरेंस कहे के एकटा शब्द प्रयोग होइ छै, कोनो चीज के याद करनाय, खास कर के घटना प्रधान। रिकलेक्शन मैथिली में अपने सब हमरा मन पड़ैत अछि, हमरा मन पड़ैए स्मरण के पुनर्व्याख्या। नारायण हिटी हत्याकांड के हम यदि व्यक्तिगत रूप से कहब तो 21 वर्ष पूरा भेलै, 22 वर्ष हमरा जेना स्मरण नहीं कह सकै छै, किया तो सूचना पर पहुँच नहीं रहे, अखबारों में नहीं आयल, ई बात सब प्रात भिने रेडियो बंद भ गेल रहे, टेलीविजन बंद भ गेल रहे। हमरा यदि मन पड़े कहबै रिकलेक्शन तो सबसे पहिने एक विशेषांक जका निकालब वाला हिमाल खबर पत्रिका रहे, जैसे हमू जोड़ल रही आ ओहि में एहि घटना के एक व्याख्या कर के प्रयत्न भेल रहे। तो रात में सबसे पहिने शायद समाचार के ब्रेकिंग न्यूज जे कहै छै करै वाला से बीबीसी के संवाददाता, नाम अखन ध्यान पर नहीं है, बीबीसी से एलै। तकर बाद हमरा फोन के घंटी बाजे लागल, लोक सब के पूछा वाला होइ छै ने कतेको बाहर के रेडियो के टेलीविजन के जे की भेलै नेपाल में। तकर बाद हम टेलीविजन खोल के देखलिए तो बात बुझलिए, लेकिन बुझलिए कि कहब एखनो धरि ओकर व्याख्या नहीं कैल जा सके। इतिहास में कोनो कोनो एहन घटना होइ छै जेकर क्यों व्याख्या नहीं कर सके, कहियो व्याख्या नहीं कैल जा सके। आ तेहने एकटा घटना के रूप में से नारायण हिटी हत्याकांड
अब नया पुस्ता वाला सबके त सुनले बात जानते हथिन, लेकिन लगभग बुझियो न अब अखन जे काठमांडू के मेयर भेला है बालन शाह कहै छै सब गोटे, तो कहै छथिन सन 1990 में जन्मल, तो 2001 में 11 वर्ष के छलखिन है, तो धियापुता छलखिन है, तो हुनका सबके पुस्ता जे आप सत्ता में आब लगले है, उनका सबके त राजशाही के बाद संसदीय प्रजातंत्र के बाद ओते ध्यान पर नहीं हेतन, आ पढ़ में तो जानबे करे छे आइकाल्हि केहन भ गेलै है जे सूचना के विस्फोट कहे छै ई असामाजिक संजाल के चलते, लेकिन ई सूचना के विस्फोट से केहन बन गेलै है जे लोक सब जेकरा जे चाही वही में अपने इको चैम्बर अंग्रेजी में जे कहे छै अपने संसन लोक में घेरा कर रह जनाए और बात सब जाना के अवसर कम भेटे छै, तै दुआरे ओकरा अब केना कोन हिसाब से केकरा घर में केहन बात सुनल है पढ़ से बहुत कम छै, तो तै हिसाब से छवि विगत के बने छै। रिमेम्बरेंस के याद करे के बात जो उठले तो कि कहू आम कल एक टुकड़ी खाय लगलों, तो बात उठले जे मैथिली में सफेदा आम के की कहे छे, बोले हम सब धियापुता रहे तो सफेदाए कहिए सफेदा, तो लेकिन ओतेक बेसी नहीं होए, ककरो ककरो आमक टोक में सफेदा के गाछ छै कहे, हमरा सबके टोक में हमरा नहीं बुझाइए जे सफेदा रहे से, सिनुरिया रहे कर्पूरिया रहे लेकिन सफेदा नहीं। तो ई जेठ के मध्य जेठ के बात करबे तो याद के बात करब तो गाम घर के याद आवे लगे छै, जामुन पाक लागल हेत आ बुझाइए हमरा अखन ध्यान पर नहीं है, लेकिन स्कूल से गर्मी छुट्टी जे नहीं भेल रहे छले, गर्मी छुट्टी कनी देरे से धान रोप के हिसाब से गर्मी छुट्टी दिया छले, जे माट साहब से अपन खेती करता आ धियापुता से अपन खेती में गार्जियन सब के सहयोग करथिन, तो गर्मी होते में नाम गर्मी छुट्टी, लेकिन बरसात के छुट्टी जगह रहे छले, जे कि स्वाभाविको छले बाढ़ अयला के बाद तो स्कूल तक पहुँचनाइयो मुश्किल, आ छतो चुभैत रहल कत स्कूल में गाँव घर में, तो बरसात के छुट्टी जगह होइत छलै नाम गर्मी छुट्टी होइत में, आ गर्मी तो अत्यंत गर्मी बरसातों में होइ छै, तो स्कूल से अयला के बाद सीधा सीधा जाके एक बेर पोखर में कूदलों आ जाठ तक हेल के, आ जामुन के गाछ छलै पोखर के किनार में, जामुन पाक शुरू होइ छलै, कनी के डम्हायले से लोग खाए के शुरू कर दे छलै, तो अपना सबके क्षेत्र में लोग कहे छै जम्बू द्वीप महाभारत खंड के जम्बू द्वीप जे नाम पड़े से जंगल पहिने रहे जामुन के, लेकिन आब तो बिलायल जाइए आब तो भेटनाइए मुश्किल भ गेल छै, किया तो जामुन के काठ से निक होइ छै, लोग के सखुआ शीशो सब भेटनाइ जे कम भेलै, जामुन काटि काटि के ओकर लकड़ी के प्रयोग करय लगलै, तो तहिना होइते होइते आ जामुन के गाछ रोपि के तो होइ नहि छै अपने जन्मल तखने भेल, आ जमीनो सब तो ओकर छाह बहुत होइ छै, आ छाह में किछु जन्मल नहि पानि सेहो बेसी तानै छै, तो जामुन के गाछ गायब भेल जाइए, लेकिन जामुन के याद खाइत रही आम, लेकिन याद पड़ैत रहे जामुन से हमरा काल्हिखन खाय काल में भेल रहे भेल रहे। याद के बात करबे तो शायद मुश्किल भ जाए कत से शुरू करी जका जान लगे छे, लेकिन जामुने नहि आंगन में सुखाइत आम के अचार के सुगंध से हो जेठ में बन लागल छले, भीतर कनी मनी आठी भगल रहल तो ओकरा काटि के से सुखा के ओहिमे मसाला देव के पोखर में जाठ तक हेल के स्पर्श दलान पर बरसाइत वाला नया बेन अबै छलै
जनानी सबके पावनि बरसाइतके किछु दिन पहिने भेलैए एहि हप्तामे, तऽ बरसाइतके नया नया बहन बहिन सब पंखाओसँ नीक लगै छलै ओकरा घुमाबऽमे, तऽ दलानपर बरसाइतवला बेन हकैत गर्मी घाम आ घमौरीसँ अगुताके बरसातके प्रतीक्षा करैत, आ चौरीमे करीनसँ बीयावला जे खेत रहै छलै ताहिमे पानि पटेनाइ करीनके चर चर, साँझमे हावा खाय लेल बच्चा पुला तक टहलनाइ, लालटेनके इजोतमे हातिम ताईके खिस्सा पेहानीमे डुबनाइ बड़ा चमत्कारिक लगै। चन्द्रकान्ता चन्द्रकान्ता सन्तति हातिम ताई मैथिलीके किताब सबमे हमर मैथिली कनि नीक सुनऽ योग्य नहि होबऽके कारण छै जे शुरुएके पढ़ाइ से ओ हिन्दी उर्दूके रहल, तऽ ओ हिन्दी उर्दूसँ कनिक हमर लगाव सेहो बनल। मैथिलीके किताब बहुत, मैथिलीके किताबमे मिथिला मिहिर आ हरिमोहन झाके खिस्सा सब, ताहिके बाद खटर काक तरंग उपन्यास, कन्यादान सेहो शायद, चरचरी नामो सब बिसरि गेलिए आब, खटर तरंग एहि लेल ध्यान पड़ै जे अखनो ओ हेतै कतौ पुस्तक पड़ल, बादमे तऽ पढ़ाइ सब बेसी अंग्रेजीके होबऽ लागल तऽ हिन्दियोसँ मैथिलियोसँ कनि सम्बन्ध कमजोर भऽ गेल। आइए मैथिलीके बात जे करैत गेली तऽ एकटा नीक खबर जे गूगल पर मैथिली ट्रांसलेशनके सुविधा से उपलब्ध भेलैए। कएटा भाषाके बारेमे हम ठीकसँ तऽ ध्यान नहि देलिए, लेकिन गूगल 24 भाषा बुझाइए थपलकै अपन अनुवादमे, लगभग आब 130 भाषामे गूगल ट्रांसलेट रहतै, तऽ ई गूगलके राज साहब नहि केओ बाँच सकैए। गूगलके साम्राज्यमे मैथिली सेहो शामिल भऽ गेलै, तऽ दुनिया भरिके लोक, हम एक दूटा अनुवाद कऽ कऽ अंग्रेजीसँ देखलिए, हमरासँ तऽ खैर नीके मैथिली बुझाइ छै, शब्द सबके जे देखबै ताहि हिसाबसँ, व्याकरणमे कनि नहि कह सकै छै, आ जे गूगलके अनुवादमे सामान्यतया होइ छै प्रसङ्गसँ कनि दोसर दिस चलि गेनाइ शाब्दिक अनुवाद से छै, लेकिन तखनो हमरा जे कखनो काल बड़ा कठिनाइ भऽ जाइ छलै जकरा मैथिलीमे लिखऽ सकितिए, बाजऽमे तऽ आब घरमे बाजै छी तऽ बाजऽमे दिक्कत नहि होइए, लेकिन लिखऽमे तऽ हमरा आब से उपलब्ध होइत से प्रसन्नता जे गूगलपर मैथिली ट्रांसलेशन आबि गेलै। गुलजार साहब कहने छथिन जे हुनका उर्दू भाषाके स्वाद, भाषाके स्वादके बात कयने छथिन, जे उर्दू भाषाके स्वाद हुनका लगै छै जे जेना केओ पानमे बड़ा खुशबूदार किमाम रखने होइ, तेहन हुनका स्वाद, पानके शौकीन हेताह गुलजार साहब हम नहि जानै छियै। मैथिलीमे तऽ हम की कहू, हमरा तऽ एकेटा स्वाद नहि अबैए, कएटा स्वाद अबैए, कएटा स्वाद अबैए। कार्तिकमे लवानके मिठगर चूरा, ओहिमे नहि किछु चाही, सीधे फाँकि लियौ, ओकर अपने जे स्वाद होइ छै, नीकसँ धान नहि जुआयल लेकिन ओकर जे चूरा बनायल रहै छै ओलाके, से ओकर स्वाद। अगहनमे नहि पहिने कनि पाकऽवला धान जे रहै छलै तकर उसनिके उसनाइ छलै बड़का बड़का अथीमे दलानपर, उसनिके सुखाके आ तकर बाद मिल तऽ बादमे, ओहो पहिने शुरूमे तऽ मिल मटियानी सुरसंड जाय पड़ै, बादमे सारीमे मिल खुललै, तकर बाद सुगायमे गणेश बाबू सबके मिल खुललै, रत्नेश्वर भैया एकटा मिल खोललखिन, तऽ बादमे तऽ सुगावमे धान कुटाय लागल रहै, तऽ लेकिन उसनिके सुखाएके धान कुटाइ, तऽ ओकर ओहि चाउरके कंसारमे भूजल ताजा मुरहीके स्वाद जेना मैथिलीमे अबै, पूसके उसना चाउरके खास कऽ कऽ खुद्दीके रोटी आ नून मिरचाइ सुखलका मिरचाइ से ओहिमे कनि तोड़ि मरोड़ि कऽ राखल आ करू तेल, माघमे तऽ जानबे करै छियै बगिया चाहे घूरमे पकायल अल्लू, घूरमे पकायल अल्हुआ, फागुनके केसौर,
चैत के हरियर प्याज खेत से उखारल, कांच इमली आ गाछ गाछ पर फरल जिलेबी, जिलेबी फरै छलै देखब जिलेबी जकाँ लगै छलै, ओकरा उघारि के बीच में के खैली। आइ काल्हि तो बहुत दिन भऽ गेल हमरा देखू ला नहि भेटल खाए के कहे। बैसाख में टिकुला के चटनी, जेठ में कांच बम्बई आ चौरिया बड़ा मिठो होइ छलै, खट्टा वाला आम रहल तो कनी लोग नून लगा के खैलक, खनाई नहीं छोड़े छलै दाँत कोत भेल तैयो। आ बम्बई आ चौरिया कांचो में कनी मिठे होइ छलै, असार के करपुरिया सिनुरिया आम बाल्टी में मुँह काट के पानी में ध के आ एकदम आराम से खाए वाला। सावन के ओल आ जमीरी नेबो, भादो के अमोट, आसिन के दही चूरा, कतेक स्वाद देखियौ तो मैथिली भाषा के। आ ई अखने हम अखन हमरा हाथ में ध्यान पर आयल, जनकपुर जाय छी चाहे बाजार में जाय छी ने अखनो तो मन करैत रहैए जे ओ मुरही घुगनी आइकाल्हि तो ओहिपर कनि भुज्जा सेहो देबऽ के चलन भऽ गेल छै, कचरी झिल्ली सब मैथिली में ई सब स्वाद जेना जखन जे बजबै कहै छै ने जे भाषा स्वाद के लहन आय, भाषा स्वर सुनही के बात नहीं छै, ओ एकदम भीतर से स्वाद के सेहो ल अबै छै। आ ओना कहवला सब तो कहै छथिन जे भाषा ओतबे नहीं होइ छै, सीखल भाषा आय तऽ जँ अहाँ प्रेमचंद के पढ़बै तऽ किछु देर तक लागत जे हम ही प्रेमचंद भऽ गेलियै। आ मातृभाषा में ककरो से गप करबै तऽ दुनिया में कतौ रहबै तऽ लागत जे अपन जन्मस्थान अपन पुरखियोली जगह पर पहुँच गेल छी, तेना अनुभव होयत से भऽ जाइत रहै छै। देखियौ हमरे ई बाजऽ के आदत जे है ने पटर पटर कतह के बात आ कतह पहुँच जाइत रहै छै, ओना छै चौकी बाजी। एहि बात पर हमर बेटी आइ काल्हि छुट्टी छै तऽ घर में अइ तऽ खाना खाए काल में हमरा कहलक जे पापा अहाँ सुनै छियै कम आ बजै छियै बेसी। हम एक क्षण अकचका गेलियै, अपना जल्दी लोक के नहि लगैत रहै छै जे अपन कमजोरी अपना नहि बुझाइत रहै छै, हम अपना के बुझै छलियै जे हमरा कनी सुनै के आदत अइ। लेकिन छै कि हमरा सबके अब टोकऽ वाला बहुत कम भऽ जाइ छै ने कनी उमेर बढ़ला के बाद, साथियो भाई सब अनसहतो बात कहियो बजा गेल तऽ साथियो भाई सब चुप्पे रहि गेल, एकरा कथी टोकैत रहियौ, ताहि हिसाब से भऽ जाइ छै। तऽ टोकऽ वाला कहै छै जे दुनिया में कतबो हीरो भऽ जाऊ, घर में धियापुता के लेल जे रहै छै नहि से एकटा उमेर भऽ गेला के बाद अहाँके बच्चा जकाँ बुझऽ लागै, अपन धियापुता से बच्चा जकाँ बुझऽ लागै छै। तऽ हम सोचलियै जे हँ बात तऽ ठीक कहि रहल अइ, एकटा तऽ किछु उमेर के सेहो प्रभाव हेतै, एकटा उमेर के बाद की भऽ जाइ छै जे अपन बात सुना दी कहि दी से जकाँ होबय लगै छै। दोसर की होइ छै जे की कहबै ओकरा, मिर्जा गालिब के शेर छै ने, हजारो ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अतृप्त इच्छा सबके छुपाब के लेल लोग बेसी बाजे छै, जेनाकि हमरा कहियो रहल हो जे हम कवि बनब लेकिन कविता तऽ नहि लिख सकली, तऽ अहिना शब्दाडम्बर के जोड़ि कऽ से ओ संतुष्टि लेबऽ के। उर्दू के शब्द सब कहलहुँ ने, ओ गुलजार साहब के बात किमाम धगत हम पान नहीं खाई, किमाम में कनि तमाकुल रहै छै, हम तमाकुल खाए वाला नहीं रहली कहियो, तऽ हम पान जहिया खेबो करी, अखनो कहियो काल गाम पहुँचै छी, गाम से बेसी जनकपुर पहुँचली तऽ गाम पर भोज भात में भेल तऽ कनि पान खा लै छी, नहीं खाइ छी से बात नहि छै, सुपारी निकालि कऽ दाँत के समस्या के चलते। तऽ उर्दू के शब्द सब देखियौ ना, अरमान कहि कऽ शब्द प्रयोग होइ छै, अरमा जे आकांक्षा पूरा नहि होबय वला होइ, पूरा होबय के संभावना नहि होइ,
आब जेनाकि छी बुझलिए कतऽ जन्मल कोनो एहन गाँवमे जाहिठाम विज्ञानके पढ़ाइयो नहि होइ छै आ अरमा अइ जे चन्द्रमा पर पैदल चलब तऽ बहुत कम पूरा होबयके सम्भावना लेकिन इच्छा तऽ रहै छै सब दिन जे हम बच्चा रही तऽ सोचने रही चन्द्रमा पर चलबै डॉक्टर बनबै लेकिन भऽ गेली महीष चराबऽ वाला इंजीनियर बनबै लेकिन मास्टरी करै छी काज कोनो छोट नम्हर नहि होइ छै लेकिन अरमा के जे रहै छै से कनि टीस मनमे रहि जाइ छै पुरान हिंदी गीत रहै गजल गायक हमरा नहि याद अइ दिल के अरमा आँसुओमे बह गए तऽ से ओ ख्वाहिश कहै छै इच्छा आकांक्षा ख्वाहिश किछु पूरा होबयके सम्भावना आरजू कहै छै तमन्ना कहै छै बड़ा बड़ा शब्द सब छै उर्दू के ओना संस्कृतसँ आयल हिन्दी मैथिली नेपालीमे सेहो कम नहि छै अभिलाषा कामना इच्छा आकांक्षा चाहत उत्कण्ठा लालसा तलब लगनाइ स्पृहा बहुत शब्द सब छै लेकिन ई शब्दके अपन संगीत जे छै से उर्दूके सुनबै तऽ लागत जेना हारमोनियमसँ अबैत होइ आ ई अपना सबके भाषाके संस्कृत मूलवला सँ जे आयल लागत से जेना लागत जेना ढोलक बजैत होइ तऽ संगीत तऽ छै अपन अपन शब्दके नहि छै से बात नहि छै तऽ हमरा साथ टोकऽवला एकटा बहुत कम ताहि दुआरे सुनऽके ओतेक आदत नहि लागल आ दोसर जे अपनाके जे नहि हमरा कहि देबऽके अपन बात से आ तेसर किछु पेशाओके प्रभाव हेतै टिप्पणीकार बहुत दिनसँ लगभग 32 वर्ष बेसी आब तक स्तम्भकार रहल आ टिप्पणीकार रहल तऽ टिप्पणीकारके बूझऽ लगै छै जे हमर अधिकारे हरेक विषयपर अपन राय देबऽके आदते भऽ जाइ छै बादमे आ 32-33 वर्षमे तऽ आदत भइए जेतै ने केना नहि आदत हेतै तऽ से आदत जकाँ भऽ गेल लेकिन एतेक कहलाके बाद सीखऽके उमेर तऽ कहियो समाप्त नहि होइ छै सुनऽके जे कला छै हम कोनो खोजिकऽ एकटा लिंक राखि देब डिस्क्रिप्शन बॉक्समे सुनऽके कला विकसित केनाइ बहुत जरूरी छै जानऽवला लोकसब कहै छथिन हमरा अपने हम अपने एकर व्यवहारमे नहि आनऽ सकल छी लेकिन पढ़ने छियै ने जे जखन बात सुनैत होइ तऽ ओही बातपर ध्यान दियौ वक्ताके मुँहपर देखऽके कोशिश करू यदि औपचारिक छै तऽ नोट्स बनाबऽके आदत लिअ प्रश्न करऽ कालमे प्रश्न करऽके से आदत बनाउ प्रश्नके मतलब जवाब देनाइ नहि होइ छै प्रश्नके मतलब होइ छै कोनो बीचमे छूटलवला बात होइ तेहन बातके बारेमे जिज्ञासा रखनाइ बात होइ छै ध्यान दऽ कऽ शब्द सबपर ध्यान दियौ हाव भावपर वक्ताके ध्यान दियौ तऽ ई आर्ट ऑफ लिसनिंग जे छै से ज्ञान प्राप्तिके बड़का तरीका हमर बेटी टोकलक तऽ हम लगैए जे कोशिश करबै लेकिन की भऽ जाइ छै आदत तऽ बड़ा आदतसँ मजबूर कहै छै ने से भऽ जाइत रहैए लेकिन आब कहलहुँ जे नहि बाते बातमे ई चर्चा अहूँ सबके यदि हमर उमेर समूह छी तऽ बेटा बेटीके बातपर ध्यान दियौ आ नहि युवा समूह छी जेकि हमर बेसी प्रतिक्रियाके हिसाबसँ श्रोता दर्शक छी तऽ अपन माय बाबूजीके अपन भैयाके दीदीके कका काकीके मामा मामीके हुनको सबके बात अहाँ सबके एकटा उमेर रहै आब हमरा कनि अपनो बातपर शङ्का लागऽ लागल लेकिन आइसँ 25-30 वर्ष पहिने 40 वर्ष पहिने हमरा जेना लागे जे हम जे जनै छियै से अन्तिम सत्य छै तऽ यदि युवाओ छी तऽ ई सुनऽके आदत से लगाउ जरूरी छै कतबो एकोटा कोनो चीज छै ने विज्ञानमे तऽ खैर तथ्यके बात होइ छै गणितमे तथ्यके बात होइ छै मानव समाज जे छै ने एहिमे तथ्य सबटा नहि छै सत्यके बहुतो आयाम छै जेनाकि एखन हम एहि फोनके बात करब जाहिमे हम रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी
तऽ बात भऽ सकै छै केओ कहतै जे फोन करऽके लेल छै, केओ कहतै नहि हम बेसी काल तऽ इंटरनेट चलबै छी तऽ से हेतै, ककरो लेल फेसबुक देखऽके हेतै, ककरो लेल टिकटॉक बनबऽके हेतै, हमरा लेल यूट्यूब बनबऽके लेल काज करैए, केओ बेसी जानऽवला हेतै तऽ कहतै एकर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कतेक छै या बैटरी कतेक घंटा दै छै, चार्ज करैमे कतेक देर लगै छै, दाम कतेक पड़ै छै, कतऽ भेटै छै, ब्रांड की छै, सब चीजके आ सब चीज केओ एगोटे यदि जानबो करै छियै तऽ याद रखनाइ, स्मरण केनाइ, मन परनाइ मुश्किल होइ छै। आ ध्यान यदि देबै, सुनऽके यदि आदत लगेबै नहि तऽ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कखन कोन सूचनाके जरूरी छै ओ तानऽमे सुविधा भऽ जाइ छै, नहि तऽ की भऽ जाइ छै जे अपन पूर्वाग्रहके पुष्टि करयवला बात याद रहत आ बाकी बात बिसरा जाइ छै। ताहि दुआरे सुनऽके महत्व, सुनऽके आदत लगाबी। आ इएह सुनहीके बातमे मधेश बड़ा बात करै छलियै, कहत लोकसभ जे मधेश भारतके सीमानासँ जोड़ल छै, ताहि दुआरे ओहिठाम व्यापार आसान छै, जमीन बड्ड उपजाउ छै, नदी सबके सिंचाइ छै, जंगल छै, सब किसिमसँ छै, तऽ भारतसँ जोड़लाके कारणसँ शिक्षित सेहो लोक हेतै। लेकिन मानव विकास सूचकांक मात्रे नहि, शुद्ध रूपसँ से आर्थिको हिसाबसँ नया तथ्यांकके अनुसार राष्ट्रीय औसतेसँ मधेश प्रदेशके प्रति व्यक्ति आय कम नहि छै कि कर्णाली सन विकट पहाड़ी जिलासँ सेहो नीचा छै। स्वाभाविक छै, राजधानी क्षेत्र रहल काठमाण्डू जतऽ छै, बागमती प्रदेशके एहि देशमे प्रति व्यक्ति आय सबसे बेसी छै, $2,430। दोसरमे गण्डकी प्रदेश छै आ तहिना मधेशके सबसे नीचा, हजारो नहि पहुँचल, 868 मात्रे छै। तऽ कृषिसँ आब किछु आगाँ बढ़नाइ मुश्किल। आ मधेश प्रदेशमे उद्योगके बीरगंज सिमरा एकटा औद्योगिक कॉरिडोर तऽ छैहे, लेकिन ओतबेसँ नहि हेतै, किछु आओर खोजऽ पड़तै। यद्यपि जनसंख्याके चाप बेसी छै, बाढ़िके प्रकोप सेहो छै, जंगल लगभग समाप्त, निजगढ़ कहुना रुकलैए नहि तऽ ओहो जंगल खतम भऽ जेतै, अदालत रोकने छै, लेकिन सब नेता सबके ओही जंगलपर ध्यान छै जे ओकरो काटि दी जेना। औद्योगिकरणके लेल आओर कोनो जगह सबके आब एहि सम्बन्धमे तऽ अध्ययन करऽ पड़तै, हम अन्दाजके भरसँ नहि कहि देब। पानिके सुविधा चाही औद्योगिकरणके लेल, पानिके सुविधा होइतोमे बाढ़िमे डुबान नहि होइ तेहन चाही। तकर बाद भारतके रेल हेडसँ जनकपुर बर्दीवास तक यदि चलि अबैए तऽ ओहो जोड़ा जेतै, कुर्था तक तऽ जोड़ाएले अइ। तकर बाद सिमरा बीरगंज तऽ आब सैचुरेशन पॉइंट कहै छै, पूरा होबऽ लगलै ओहि क्षेत्रमे जतेक होबऽ सकलै से। तऽ एहि बीचमे एकटा जलेश्वरमे ड्राई पोर्ट बनाबैके बात नया बजटमे एलैए, बड़ा उत्साहजनक अइ। जलेश्वरके अपन समयमे एकटा बहुत बड़का महत्व रहल छै, आब तऽ हमरो गाँव जलेश्वर नगरपालिका भऽ गेलै। ओहिठामके कॉलेजके हालत देखियौ, इसकुल सबके हालत देखियौ, अस्पतालके हालत देखियौ, सब जेना ताबी जलेश्वरसँ जनकपुरवला सेहो एकटा औद्योगिक कॉरिडोरके रूपमे यदि जलेश्वरमे ड्राई पोर्ट भऽ जाइ छै तऽ ओहूके बारेमे सोचल जा सकैए। लेकिन एहिके लेल जरूरी छै जे ओहि पार भिट्ठा मोड़ चाहे जनकपुर रोड जकरा कहै छियै पुपरी भेलै, ओमहर सुरसंड भेलै, ई सब ओहि पारके जे सड़कके स्थिति छै सेहो सुधार होइ। आ ओहि पार सेहो जकरा बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर कहै छै, सीमाके व्यवस्था से कनि उचित होइ तऽ ई एकटा सम्भव भऽ सकैए। आ बरसातके मौसम छै तऽ कृषिके बात करहीके, रासायनिक उर्वरकके अभाव धान खेतीके मौसममे बड़का समस्या भऽ सकैए। आब मानसून शुरू हेतै,
रोपाई तोपाई के बाद चलते देखियौ जैविक प्रांगारिक खेती के बात बड़ बढ़िया, लेकिन ओहि के लेल एकटा योजना बनाबऽ पड़ै छै। सिक्किम सन छोट भारत के राज्य में भेलै, लेकिन श्रीलंका वह प्रयोग करे लगलै तऽ ओकर अर्थतंत्र तबाह भऽ गेलै। तऽ जाधरि से वैकल्पिक व्यवस्था नीक सँ नहि शुरू होइ छै ताधरि एतेक जनसंख्या के आवश्यकता पूर्ति के लेल सिंचाई रासायनिक उर्वरक के व्यवस्था के बेगर कहने राज्य ई नहि कह सकैए जे हम आत्मनिर्भर बनब। आ यदि खान पीन मे नहि आत्मनिर्भर होब सकली तऽ बाकी आत्मनिर्भरता तऽ बड़ा की कहबै ओ कह के बात जका जेना रहि जाइ छै, ओहिसँ आगा से जनाइ बड़ा मुश्किल भऽ जाइ छै। देखियौ लगै छलै जेना कोनो बाते नहि अइ, लेकिन बात करैत करैत केलियै तऽ कतऽ सँ कतऽ पहुँच जाइ छै जे कहै छै ने, से कतऽ सँ कतऽ पहुँच गेल। आ अहाँ सब एतेक बात सुनलहुँ, अखन धरि साथ छी, किशोरी जी के कृपा छै। आ ई कोविड के देखियौ ने फेर सँ प्रकोप बढ़ लगलै हँ, ओहि पार सँ खबर जे सोनिया गांधी जी के भऽ गेलनि हँ, तऽ किशोरी जी हुनका स्वस्थ ठीक रखथिन। तहिना बहुतो लोक के बेलायत के युवराज नहि बेलायत के राजकुमार के सेहो कोविड के प्रकोप के कतौ हम पढ़ने छलियै, तऽ एखनो प्रकोप गेल नहि छै। तऽ जे अपन ताहिके बाद थपा गेलै, आइ काल्हि फेर मंकी पॉक्स के बात भऽ गेल छै, तऽ जतेक सावधानी बना कऽ राख सकी से सावधानी बनेनाइ बहुत जरूरी छै। स्वस्थ रहब तऽ बाकी सब किछु छै, भजनो के लेल तऽ स्वस्थे रखनाइ जरूरी छै। धार्मिक आस्था अइ तऽ नमाज पढ़ू, प्रार्थना करू, चर्च जाउ, गुम्बा जाउ, जतऽ जतऽ जाके जतऽ लगैए जे ईश्वर के आओना कहबिये छै, जे मन संगा तऽ कठौती मे गंगा, सब जतेक जल छै से तऽ गंगाए के स्वरूप छै, गंगा जले छै, जल छै जतेक श्रद्धा भजा तऽ सब जल गंगा जल छै। सब पाथर मे शिव वास करै छथिन, सब खाली जगह पर परमेश्वर छथिन। तऽ प्रार्थना तऽ सब ठाम सँ सुनाइ छै, हमर बात अखन धरि एतेक कहबे कयलहुँ। सुनै छी हम कम आ बाजै छी बेसी, तऽ किछु जँ सुनाबऽ के होय तऽ कमेंट समेंट जहिना पठबैत रहै छी प्रतिक्रिया से पठाबैत रही। नीक सँ रहि जाउ सब गोटे, हमर बात सुनलहुँ, फेर से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी, पुनः प्रणाम।